पहली बार जा रहा है कुछ फिर सामान लेने। ब्लॉग चैनल एंड आज हम आ गए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड उससे पहले ये देखिए गाइस, धूप आ गई है। दो दिन से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बट बारिश हो रही थी, लेकिन आज फाइनली धूप आ रही है। एंड यस, आज के ब्लॉग में हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। हम मतलब मम्मी बनाने वाली हैं छोले भटूरे एंड उससे रिलेटेड हम जो कुछ करेंगे जो जो हो सकता है। एंड पीछे टी दिख रहा है, टी टी इज फॉर मी, टी इज फॉर तान्या, ठीक है। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैंने ना कल रात को पेंटिंग बनाई थी, अच्छी लग रही है ना, आई नो राइट। एंड हम बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ, उससे पहले हमें रूम साफ करना है क्योंकि हमारा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। तो हम रूम साफ करेंगे। अब पीछे बेड दिख रहा है आपको, ये बेड, हाँ जी ये बेड मैंने साफ किया है, सारा साफ मम्मी ने कहा है कि उबले हुए चने की भी वीडियो बनाओ क्योंकि हम आज छोले भटूरे बनाने वाले हैं। तो मम्मी को मैं ज़रा बता दूं कि उबले हुए छोले तो है नहीं मम्मी, ये भीगे हुए चने हैं, भीगे हुए चने बोलते हैं। क्या यार, मम्मी को मुझे सिखाना पड़ेगा। तो गाइस आज तान्या बना के दिखाएगी आपको छोले भटूरे कैसे बनाए जाते हैं। तो तान्या की जिम्मेदारी है छोले भटूरे बनाते कुछ नहीं कुछ। मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं गाइस, मुझे कुछ नहीं बनाना आता, मुझे लोगों को पागल, आई मीन सिर्फ कट कर देना प्लीज, खाना खाना आता है। क्यों मम्मी, चलो मम्मी सफाई करो। गाइस मैं बहुत हेल्प करती हूँ मम्मी की, बट आज मम्मी वीडियो में दिखाने के लिए कि मम्मी काम करती है इसलिए कर रही है, मतलब मैं करती हूँ सारा काम, है ना मम्मी? हाँ या ना बोलो। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। शार को देखिए गाइस कैसे बाल चमक रहे हैं, शार एनाटॉमी। गाइस अभी तो शार और मैं जाएंगे छोले भटूरे की शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मतलब उसके लिए सामान डालेंगे। तो शार चलेगा ना? नहीं। चलेगा मम्मी, बताओ ही जाएगा ना वहाँ पे शॉपिंग करने छोले भटूरे की, आई मीन छोले भटूरे के सामान। Two hours later. चलो गाइस मम्मी यहाँ पे अपनी क्लास ले रही है ऑनलाइन हैंड राइटिंग की, किसी को करवानी हो तो करवा लेना। दो ही बच्चे हैं फिलहाल अभी, जो तो भी है भी एक भाग गया। अरे मम्मी पैसे दो फटाफट, हम जा रहे हैं सामान लेने भाई, ये फिर हवा से मार रहा है। लो दो गाइस, मम्मी ने 200 रुपये दिए हैं और कह रही है दुनिया खरीद के ले आना। 200 रुपये में गाइस हम दुनिया खरीद लेंगे। जी फुटेज दिखाएंगे आज शादी जी की, ये देखिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं। शार आप क्या ढूंढ रहे हो, शार आप क्या ढूंढ रहे हो? गोदाम से कपड़े ढूंढ रहे हैं। ऐसी इसकी अलमारी प्लीज, अरे दिखाइए तो सही, देखना। One eternity later. शादी में थोड़ी जा रहे किसी की। गाइस इसको रूम में ये कभी अपने कपड़े और ये सब साफ नहीं करता कभी भी, देखो ऐसा लग रहा है किसी कूड़ेदान में बैठी हूँ, बस एक हैंड सैनिटाइजर रख लेगा दिखाने के लिए। ये देखो बहुत बहुत मारूंगी, छोड़ा बहुत मारूंगी इस हरामी। चलो भाई निकल रहे हम, ये क्या 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 करता रहता है, निकाल ले। अब हम जा रहे हैं सामान लेने का, आज मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है, पहली बार जा रहा है कुछ फिर का सामान लेने। दिखाना चाहेंगे तो शायद, कम ऑन यू कैन डू इट। नहीं तेरी किसी उतरो,
साथ मम्मी का सब्जी वाला नहीं आया तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं सामान लेने, ये पीछे मेरे को किडनैप करने के लिए लोग आ गए। मम्मी का सब्जी वाला नहीं आया तो अरे क्रश कहते हैं उसको। चुप कर। अरे की नहीं चल सकती क्या? मेरी उम्र हो गई है तुषार। कितने साल की है तू? 40 साल की। हम चल रहे हैं गाइस, चलते चलते अब हम राजस्थान पहुंच जाएंगे। इनको हमने क्रॉस कर दिया, आपका सब्जी वाला नहीं आया आज। अरे क्या करना है बोलू ना? घूमी महाजन के सामने होगा, उसे देख ले। अरे ठीक है, उसी से देखना और किसी से नहीं। अपनी ये हम अपनी सुनहरी मार्केट में आ गए हैं गाइस, इतने खूबसूरत आंटी दिख रही है। आंटी तो आ गया था, आंटी अच्छी लग रही है। हम जा रहे हैं दूसरी जगह दूसरा सामान लेने, दैट इज मैदा। मैदा आपको ना बताओ सामान ले लिया है। तुषार जोशी दिखाओ, तुषार जोशी को मैंने सारा सामान पकड़ा है। और बहुत ट्रैफिक है गलियों में भी, देखिए कैसे धूम मचा रहे हैं सब। घर आ गए हैं, तुषार जोशी जी भी घर आ गए। क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो? मम्मी की प्रिपरेशंस, उफ ये हमारे कुकर की हालत देखो, साफ कर लो यार मम्मी से। मम्मी क्या है, व्हाट इज दिस? मम्मी मैं फूड ब्लॉगर हूँ, बताओ मम्मी क्या है ये? मम्मी क्या है ये? टमाटर होता है मम्मी, मेरे को ज्यादा पता है क्या है। गाइस अगर आपको छोले भटूरे के छोले के लिए आपको मसाला चाहिए, उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट डलते हैं, उसमें डलता ये है This is अदरक, हाँ यहाँ से लाइक कर रही है। This is onion, this is टमाटर, this is green chili and this is लहसुन which is garlic, जो मेरे को मम्मी को बहुत पसंद है। मम्मी टमाटर ऐसे डाल रही है जैसे कि हमारे टमाटर के पौधे लगे हैं बाहर घर के, डाली जा रही है। ये गाइस खाली है, प्याज से काम ही चल रहा था तो मम्मी ने और प्याज हमारे लिए काटे हैं। ये इसलिए काटे क्योंकि मम्मी किसने काटे हैं, ये कौन से वाले प्याज होते हैं जो हम छोले भटूरे के साथ खाने वाला है। दिस इज दैट प्याज। क्या कर रही हो मम्मी, इनको खून क्यों कर रही हो? मम्मी को पता चल गया कि मैं शूट कर रही हूँ तो मम्मी ऐसे बोल रही है मुझे। यहाँ पे मोटा प्याज आते थे, मोटे प्याज की नो एंट्री। ट्रांसफर कर रहे हैं मोटे को पतले से। गाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें, अगर आप मोटे तो आपको पतला होना है और आपको पतला होना तो आपको मोटा होना है। क्या बोल रही हूँ पता नहीं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने दिखाए थे आपको और बहुत सारे टमाटर। गाइस मुझे दो दो कैमरा से बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक मम्मी के यूट्यूब के लिए और एक मेरे यूट्यूब के लिए। स्ट्रगल देख रहे हो? ओह शिट, मैंने तो ऑन ही नहीं किया था। कर दो दोबारा, निकालो मारो डालो कोई बात नहीं, सबको पता तो है मम्मी। ओपन कर दिया गाइस मैंने, देखिए गाइस देखिए अभी और जरूरत है गाइस। कितनी सीटी मारेगा, मैं हुई थी सुंदर, क्या कर सकते हैं, मुझे तो मारेगा सीटी। ताकि अब दोबारा सीटी ना मारे तो हमारा मसाला हो चुका है रेडी। ओके गाइस मसाले इज रेडी। बस करिए कविता किचन। स्वागत है आपका मधुलिका किचन में। मैं थक गई हूँ मम्मी, दो दो फोन पकड़ के पकड़ो यार अपना। यहाँ पे मम्मी की हो चुकी है ग्रेवी तैयार, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये मसाला था, ये मम्मी ने इसमें डाल दिया है। यहाँ छोले खुल गए हैं और इनका रेस्टिंग पीस हो जाएगा, ये छोले मसाला डालेंगे। मम्मी बस करो ना अपनी वीडियो में, करते रहियो ब्रांडिंग। ये मोदी केयर का छोले मसाला। चलो 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 गाइस। गाइस
गाइस जब तक हम वेट कर रहे हैं मैं तब तक आपको चीज़ें खाती हूँ जो मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट की है. दैट इज ग्रैटिट्यूड जर्नल हाँ जर्नल होते हैं अंग्रेजों वाले काम. यू नो यू हैव टू राइट द थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने भी स्टार्ट किया अभी आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं आपको नहीं दिखाऊंगी. इट्स वेरी प्राइवेट यू नो पर्सनल. तो ये मैंने स्टार्ट करी है लिखना 19th जुलाई से एंड टुडे इज थर्ड डे एंड मैं लिखूंगी इसमें. सो दिस इज़ माई ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड मैं रोज़ इसमें लिखती हूँ किस किन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. लाइक स्मॉल थिंग मैं लिखती हूँ सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. जैसे मुझे मम्मी ने सिखाया ये सारा और मैं तो खैर एक साल से लिख रही हूँ बट मैंने ये अभी लिखना शुरू किया है. एंड इसमें मैं लिखती हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. जैसे कि सांस लेने के लिए एंड और वाईफाई के लिए कि वाईफाई चल रहा है मेरा. जो भी चीज़ जो मुझे लगता है कि हाँ आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट तो मैं इस सब चीज़ें लिखती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल में. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. आप सभी ट्राई किया करो. ओके जो आप बोलो कि भाई तू भटूरे क्यों खा रही है तेरी स्किन तो ऐसे हो रही है ये वो तो सारे पिंपल्स आ रहे हैं. बट कुछ भी हो मैं भटूरे खाना बंद नहीं करूँगी. आई मीन भटूरे आज खाऊंगी. ये मेरा स्किन का ब्रेकआउट हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती हूँ और पानी भी नहीं पीती हूँ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं. बट फिर भी बहुत कंट्रोल में है क्योंकि मैं डिटॉक्स भी खा लेती हूँ इसलिए ठीक है ना. और हाँ तो मैं भटूरे खाऊंगी. नोबडी कैन स्टॉप मी. 9:10 हो रहे हैं उतना ही बज रहे हैं और अभी तक हमने छोले भटूरे नहीं खाए हैं क्योंकि अभी बाहर मम्मी सबको खिला रही हैं और हमें बाद में खिलाएंगी. मतलब मुझे और मम्मी हम दोनों बाद में खाएंगे. वेट कर रहे हैं हम छोले भटूरे का कब खाएंगे. गाइस मैं बहुत कमज़ोरी फील हो रही है. बहुत कमज़ोर लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने खाया नहीं है ना अभी तक इसलिए. और मैं खा के आपको रिव्यू भी दूंगी कि कैसा है. हाँ देखते हैं यार पता नहीं इंतज़ार हो रहा है. मम्मी ले आई हैं छोले भटूरे एंड तो छोले भटूरे लुक्स लाइक बोला भी नहीं जा रहा लुक्स लाइक दिस. ये है छोले जो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ. थोड़े से खाए हैं नमक वमक से करने के लिए. ये भटूरे बड़े बड़े ये नींबू के कटे हुए पीसेस और साबुन ये क्या बोलते हैं इसे चम्मच दफन हो गया है भटूरों के पीछे. और यहाँ पे है प्याज यहाँ पे है खीरे धनिया थोड़ा सा गार्निश करे एंड दिस इज माई प्लेट. और मैं इसे खाऊंगी. मम्मी के बनाए हुए छोले भटूरे एंड हम आज इसे टेस्ट करने वाले हैं चेक करने वाले हैं. ओके सो छोले कुछ इस टाइप से दिखते हैं एंड मैं इनकी हवा फोड़ लेती हूँ एंड उसे तोड़ भी लेती हूँ. छोले मैंने बहुत सारे दिए और मैं इसमें प्याज भी डालूंगी क्योंकि आई लव प्याज. मुझे खाना यही था हमारा आज का ब्लॉग. कमेंट करते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ आपको अगर मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने हो या वैसे हो तो प्लीज़ सजेस्ट कर दिया करो कि किस पे बनाए टॉपिक्स वगैरह कमेंट्स पे. प्लीज़ यू आर सो वेलकम फॉर इट एंड काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे कुछ टॉपिक्स वगैरह एनी थिंग यू वुड लाइक कि अब मैं उसे ब्लॉग में करूँ. एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड मेरी मम्मी मुझे अभी घूर रही है पता नहीं क्यों घूर रहे मम्मी मेरे चैनल की भी वो कर देते हाँ. और मम्मी का चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रही हूँ वो भी जाके देख लेना. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल. एंड बहुत अजीब लग रहा है ऐसे खड़े होकर बाल के दैट इज इट फॉर टुडे. कर लो पहले ये कर लो. मैं आपको दिखाती हूं कि हमारा रूम साफ करने के बाद कैसा लग रहा है. साफ और ना साफ किए हुए मैं डिफरेंस देख रहा हूं. डिफरेंस क्या देखोगे मतलब ठीक है होता तो यहां हमने किया बेड साफ बटन खोल दिए और रुको मैं जरा फ्रंट कैमरा.